देश का सफाई सैनिक, जी हाँ देश का सफाई सैनिक, वो तबका जो देश में पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को साफ सुथरा रखने का काम करता है। लेकिन जब बात आती है उनके हक और अधिकार की, तो उनको न्याय दिलाने के लिए चंद ही लोग सामने आते हैं, जिनमें से एक नाम है श्री संजय गहलोत जी, जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, जिन्होंने हमेशा से सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी और उनको उनका मान सम्मान और उनका अधिकार दिलाया। आज हम उसी आयोग में मौजूद हैं, हमारे साथ माननीय संजय गहलोत जी मौजूद हैं। आज मैं दो खास मुद्दों पर इनसे बात करने वाली हूँ जो कि बेहद गंभीर मुद्दे हैं। आइए बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक अधिकारी सफाई कर्मचारियों पर दबाव बना रहा है कि उनको किसी रैली में जाना है और सफाई कर्मचारी लगातार मना कर रहे हैं, तो ये मामला काफी संगीन है, क्या किस तरह से सफाई सैनिकों को जबरन? जी बिल्कुल, देखिए ये हमारे संज्ञान में आया है क्योंकि होता क्या, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, लगभग सभी पार्टियां ऐसी हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी है विशेष तौर पर जो MCD में काम कर रहे हैं, होता क्या है हमारे पास 250 वार्ड हैं, इन 250 वार्ड में बसें लगा दी जाती हैं, वहाँ के संबंधित जो निगम पार्षद हैं, जिस पार्टी का वहाँ प्रोग्राम होना होता है उससे संबंधित जो निगम पार्षद हैं, इनको बिल्कुल सही तरीके से कहा जाता है कि सारे के सारे सफाई कर्मचारियों को वहाँ जाना चाहिए, उनमें महिलाएं भी होनी चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए। और होता क्या है कि जो हमारे सुपरवाइजर हैं जिसमें ASI इंस्पेक्टर हैं, उनको भी कहते हैं, डराते हैं उनको, उनको कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करनी है यहाँ पे तो ये काम करना पड़ेगा। कर्मचारियों को वैसे कहा जाता है तो उनको भूखे प्यासे बसों में भरकर, भेड़ बकरे की तरह बसों में भरकर वहाँ स्टेडियम में ले जाया जाता है, तो ये गलत बात है। और इस बाबत हमने अपना संज्ञान लेकर और कुछ कर्मचारियों के फोन भी हमारे पास में आते हैं, लोगों ने यहाँ शिकायत भी हमें बहुत सारी दी है, तो इसलिए दिल्ली के जो हमारे 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन सबको हमने चिट्ठी लिख दी है, नोटिस दिया गया बाकायदा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सख्त वार्निंग दे दी गई है। और खासकर कमिश्नर को भी हमने कह दिया गया है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो भी हमारे पास प्रदर्श शक्ति हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की, उन सबका इस्तेमाल करते हुए उन पर कड़ा एक्शन लेगा, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो जो हायर कोर्ट से उनमें जाके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे हम। सुना आपने, जी हाँ ये न्याय का मंदिर है जहाँ पर सभी सफाई सैनिकों को न्याय मिलता है, ये वो न्याय का मंदिर है जहाँ जो भी दुखी सफाई सैनिक बहने भाई पहुँचते हैं यहाँ से खुशी खुशी चेहरे पर हंसी लेकर जाते हैं। मैं आपकी बहन रेखा दुग्गल एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ बहुत संगीन मामलों पर बात करने के लिए। अब दूसरा मुद्दा मेरे पास है, करोलबाग जोन के अंदर PF को लेकर सभी सफाई सैनिक बहुत परेशान है, सभी जोनों में ये परेशानियां चल रही हैं, तो मैं इस बात पर सर से अमल डालने के लिए कहूंगी। सर करोलबाग जोन में जिस तरह से सफाई सैनिकों की PF को लेकर बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है, लेकिन ACDC साहब का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है वहां पर। देखिए बड़े दुख की बात है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे एक फोन पे बताया गया, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बल्कि मैं तो उनका नाम भी बताना चाहूंगा, राजपाल मेहरोला जी, उन्होंने मुझे फोन किया सुबह 10 बजे करीब और ये कहा कि देखिए चेयरमैन साहब जहां आपका ऑफिस है और आपकी नाक के नीचे काम हो रहा है क्योंकि जोन हमारा करोलबाग पास में ही है। यहाँ हम एक बात बताना चाहते हैं, जो फंड वाला मामला होता है एक EPF होता है जो कच्चे कर्मचारी उनके लिए होता है, एक GPF होता है, और हद तो तब हो गई जो पक्के कर्मचारी GPF के लिए, उनका भी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, वो अपने चाहे तो पैसा नहीं निकाल सकते, वहां के जो कंसर्न सुपरवाइजर हैं ASIO AO वगैरह हैं उन्हें तंग कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि पिछले 5 महीने से, जैसे मुझे मेहरोली साहब ने बताया है आज कि 5 महीने से हमारा पासवर्ड ही नहीं बन पा रहा, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इसके लिए हम आज अपने ऑफिस में अवेलेबल हैं, जो संबंधित डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, और कोशिश की जाएगी कि हेयरिंग करके इस मामले को तत्काल प्रभाव से निपटाया जाएगा, और जो निरीह हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो कच्चे कर्मचारी EPF वाले, चाहे वो परमानेंट है हमारे GPF वाले, उन सबको न्याय दिलाया जाएगा। सुना आपने, यहाँ पर जो भी मुद्दा आता है ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है और उसका समाधान निकाला जाता है। तो जितने भी हमारे सफाई सैनिक बहन भाई हैं किसी भी मुद्दे को लेकर परेशान हैं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सीधे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में आ पाएं। संजय सर हमेशा आप लोगों की मदद के लिए यहाँ अवेलेबल रहते हैं, आपको आपकी सभी समस्याओं से छुटकारा यहाँ मिलेगा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज।